नमस्कार, कीर्तिस किचन केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ कीर्ति। आज मैं एक रिक्वेस्टेड रेसिपी लेके आई हूँ, जो है होल व्हीट ब्राउन ब्रेड की रेसिपी, यानी कि गेहूँ के आटे से बना हुआ ब्रेड की रेसिपी। आप मैदे से बना ब्रेड नहीं खाना चाहते तो ये ब्राउन ब्रेड ज़रूर बनाइए। बहुत आसान है बनाना। मेरा वीडियो पूरा देखिए, सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए और आप भी आसानी से ब्राउन ब्रेड अपने घर पर बना पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कीर्तिस किचन केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना होल व्हीट ब्राउन ब्रेड की रेसिपी। धन्यवाद। टेक्सचर देखिए हमारा होल व्हीट ब्राउन ब्रेड का, बहुत ही सॉफ्ट है और स्पंजी भी। पहले मैंने व्हाइट सैंडविच ब्रेड की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दे दिया है, आप चाहें तो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले 50 ml गुनगुना पानी में 1 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट और 1 टीस्पून हनी यानी शहद मिक्स कर लेते हैं। हमेशा अच्छे क्वालिटी का ईस्ट यूज करें। ईस्ट खरीदते वक्त मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखें। ईस्ट को एयरटाइट जार में रख के फ्रीज में महीनों तक स्टोर किया जा सकता है। अब इसको मिक्स करके कवर करके 7 से 8 मिनट तक रख देंगे ताकि हमारा ईस्ट ब्लूम हो जाए। अभी हमारा ईस्ट ब्लूम हो गया है, देखिए बबल्स आ चुके हैं। ऐसे बबल्स ना आए तो ये यूज़ ना करें। अब एक बाउल में 200 ml बटर मिल्क लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून हनी यानी शहद, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छे से मिलाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। इस पे अब ईस्ट मिक्सर डाल के मिला लेते हैं। अब एक बड़े से बाउल में मैंने यहाँ 400 ग्राम आटा लिया है, होल व्हीट फ्लोर। एक कप से 2.5 कप होगा, 250 ml वाला कप है ये। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं आटा। इसमें अभी लिक्विड मिक्सर डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। हमेशा जो ब्राउन ब्रेड बनाते वक्त मेजरमेंट का ध्यान रखें, परफेक्ट मेजरमेंट होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो ब्राउन ब्रेड है अच्छे से बनेगा नहीं। अब इसमें और थोड़ा पानी डालेंगे, 3-4 टेबलस्पून के करीब पानी मिलाते हैं। पानी आटे के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। पानी मिला के अच्छे से नीड कर लेंगे इसको। अभी किचन काउंटर पे थोड़ा आटा छिड़क के इस डो को अच्छे से नीड करेंगे। इसमें अभी 1 टेबलस्पून ऑयल हम डालेंगे, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं नहीं तो रिफाइंड ऑयल। अभी ये डो बहुत स्टिकी है, लेकिन 10-15 मिनट अच्छे से गूंदने के बाद ये डो एकदम परफेक्ट बन जाएगा, यानी ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा। यही आटा गूंदना ही सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी ब्रेड बनाने में, तो आप अच्छे से आटा गूंदिए। 10-15 मिनट कम से कम लगता है। अब तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कीर्तिस किचन केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। 15 मिनट के बाद ये देखिए डो अभी एकदम स्मूथ बन गया है, हाथ से चिपक नहीं रहा है। थोड़ा तेल लगा के इसे गूंदेंगे। ये देखिए इस तरह खींचने से कैसे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, यानी अच्छे से ग्लूटेन डेवलप हो चुका है। खींचने से भी ये नहीं टूट रहा है। इसी तरह का आटा हमें चाहिए, तभी हमारा ब्रेड एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, टूटता भी नहीं है। अभी 1-2 मिनट के लिए और गूंद देते हैं। अच्छे से गूंदने के बाद इस बाउल को ग्रीस करके तेल से इसमें हम इसे रखेंगे और कवर करके रख देंगे ताकि ये डबल हो जाए। इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। इसको कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि ये डो अच्छे से फूल जाए। कोल्ड वेदर में 3-4 घंटे लगते हैं फूलने के लिए। अब एक 9x5 इंच का बेकिंग टिन यानी लोफ टिन को ग्रीस कर लेते हैं थोड़ा तेल डाल के। आप चाहे तो पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर आप यूज कर सकते हैं। अभी फास्ट प्रूफिंग हो चुका है, देखिए 1 घंटे के बाद बहुत अच्छे से हमारा डो फूल गया है। अब इसको फिर से गूंदेंगे थोड़ी देर के लिए।
आटा डस्ट करके इसको रेक्टेंगुलर शेप देंगे। अभी आप चाहे तो बेल भी सकते हैं, मैं हाथ से ऐसे कर रही हूँ, मुझे आसानी होती है। इस तरह फोल्ड करें। अभी एक बार फिर से हम इसको रेक्टेंगुलर शेप देंगे। हाथ से अगर चाहे तो हाथ से थोड़ा तेल लगा के आप ऐसे कर सकते हैं। हमारा जो लो पैन है उसी की मेजरमेंट के हिसाब से इसको रेक्टेंगुलर शेप देंगे ताकि ये आसानी से उसके अंदर फिट हो जाए। अब इसको धीरे धीरे करके टाइट करके रोल करते जाएंगे एक साइड से। थोड़ा आटा भी मैं डस्ट कर रही हूँ ताकि आसानी से फोल्ड हो सके। साइड से सील कर लेते हैं अच्छे से और दोनों साइड से भी सील कर लेते हैं। अभी ये रेडी है। अभी इसको बेकिंग पैन में रख के हम थोड़ा प्रेस कर देते हैं। चारों तरफ से अच्छे से इवनली। इसके ऊपर हम अभी मिल्क वॉश करेंगे। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग वॉश भी कर सकते हैं। मिल्क वॉश करने से ब्रेड का जो कलर है बहुत अच्छा आएगा, ब्राउन कलर बहुत अच्छे से आ जाता है। अभी एक क्लिंग रैप लेके इसके ऊपर थोड़ा ऑयल ब्रश कर लेंगे और इसी से हम वो डो को कवर करेंगे ताकि जब डो फूल जाए तो क्लिंग रैप से चिपके नहीं, आसानी से हम क्लिंग रैप हटा सकते हैं। देखिए 30 मिनट्स के बाद हमारा जो डो है फूल चुका है कितने अच्छे से। अभी धीरे से हल्के हाथों से एकदम क्लिंग रैप हटाएंगे। ज़ोर से क्लिंग रैप मत हटाइए नहीं तो ये दब सकता है डो हमारा। धीरे धीरे क्लिंग रैप हटा चुकी हूँ मैं। अभी देखिए अभी इसके ऊपर हम सिसमी सीड डाल देते हैं। आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इसे ओवन पे 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट और फिर 180 डिग्री सेल्सियस पे और 20 से 25 मिनट बेक होने के लिए रखेंगे। मैंने पहले से ही ओवन को प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद देखिए हमारा जो ब्राउन ब्रेड है बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं। अभी इमीडिएटली इसमें बटर ब्रश कर लेते हैं। इसे हमारा ब्रेड ठंडे होने के बाद भी सॉफ्ट रहेगा। 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद मैंने पहले मेरे चैनल पे सैंडविच ब्रेड की रेसिपी और पाव की रेसिपी लोड की है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है। आप चाहे तो लिंक पे क्लिक करके वो रेसिपीज देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए हमारा जो ब्रेड है कितने अच्छे से फूला है, बहुत अच्छा कलर भी आया है। इसको अभी कवर करके 5-10 मिनट रख लेते हैं। 5-10 मिनट के बाद देखिए इसको अभी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। चारों तरफ से नाइफ से थोड़ा इस तरह कर देंगे ताकि आसानी से ये डीमोल्ड हो जाए। आप इसी ब्रेड को ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। अभी इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए कितने आसानी से ये डीमोल्ड हो गया। टेक्सचर देखिए बहुत सॉफ्ट और कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसे कवर करके पूरी तरह ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। उसके बाद ब्रेड को स्लाइस करेंगे। अभी अगर हम ब्रेड को स्लाइस करेंगे तो ब्रेड गर्म होने की वजह से स्लाइस नहीं होगा, मतलब टूट जाएगा। अभी हमारा ब्रेड थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे स्लाइस करेंगे। एक सेरेटेड नाइफ मैं यूज़ कर रही हूँ। रेगुलर नाइफ से थोड़ा मुश्किल होता है स्लाइस करने में। देखिए हमारा जो ब्रेड का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा बना है, जालीदार है, सॉफ्ट है। ये है ब्राउन ब्रेड, यानी गेहूं के आटे से बना हुआ ब्रेड। मैंने बिल्कुल मैदा यूज़ नहीं किया है। आप इसे ज़रूर बनाइए, टिप्स फॉलो कीजिए ताकि आसानी से आप भी घर पे ये ब्रेड बना पाएंगे, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।